अपना अभिमान है, स्वाभिमान है, और मुझे लगता है नाना पटोले व्यक्ति नहीं, वह कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है। तो मुझे लगता है इसी तरह का बर्ताव यह निंदनीय है। कांग्रेस उनको अभी यश नहीं मिला होगा, लेकिन एक वैभवशाली परंपरा रखने वाली पार्टी थी, लेकिन नाना पटोले सरीके प्रदेश अध्यक्ष होने के बाद उनकी गनीमा नष्ट हो गई और बालिश तरह के बयानबाजी नाना पटोले जब से प्रदेश अध्यक्ष हुए तभी से हो रही है। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहब के बारे में जो वक्तव्य किया है उसका मैं धिक्कार करता हूं, इसकी कीमत नाना पटोले को भुगतनी पड़ेगी। और मुझे लगता है कांग्रेस वालों ने नाना पटोले के इस बयानबाजी के खिलाफ कार्रवाई करने की आवश्यकता है।